ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो पुनर्विचार याचिका करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा उसे मस्जिद के बदले दूसरी जगह पर दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन मंजूर नहीं है। वे दूसरी जमीन पाने के लिए अदालत नहीं गए थे, उन्हें वही जमीन चाहिए जहां पर बाबरी मस्जिद बनी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि उसे मस्जिद के बदले दूसरी जगह पर दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन भी मंजूर नहीं है। लखनऊ में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लंबी बैठक हुई। पहले तो ये बैठक नदवा इस्लामिक सेंटर में होनी थी, लेकिन एक शिक्षण संस्थान में मीटिंग करना कई सदस्यों को पसंद नहीं आया। इसके बाद बैठक लखनऊ के मुमताज पीजी कॉलेज में हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दूसरी जमीन स्वीकार नहीं कर सकते हैं और न्याय हित में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए। मोहम्मद उमर और मिसबाहुद्दीन, इनकी तो कंसर्न मिल चुकी है, रिव्यू फाइल करेंगे और पक्षकार डिफेंडेंट है। अगर हमारे सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट में ये तय करते हैं कि इसमें और फरीक को बनाया जाए तो फिर डिफेंडेंट्स हमारे पास है, वो भी हो सकते हैं रिव्यू पटिशनर्स। अभी राजीव धवन साहब हमारे सीनियर एडवोकेट पहले भी थे, आज भी हैं, वो भी रहेंगे इसमें। अब ये राजीव धवन साहब का मशवरे से लिमिटेशन के अंदर, लिमिटेशन 30 दिन का होता है, तो 30 दिन के अंदर ही दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।